सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे अभी रेल विकास निगम लिमिटेड को लेकर। आप लोग देख सकते हो अभी आरवीएल में काफ़ी शानदार मोमेंटम हमें देखने को मिला है। लगभग 9 से 10% जो शेयर है वो उछला है अभी आज फिर, ठीक है। और वॉल्यूम जो आई है वो आप लोग देखोगे 62.9 मिलियन, यानी कि 6 करोड़ 29 लाख के आसपास की वॉल्यूम देखने को मिली है। तो कल के दिन आई 3-4 बड़ी खबरों की बदौलत आप लोग देखो स्टॉक में एक्शन आया है। और इसीलिए मैं बोलता हूँ भी देखो मार्केट के अंदर जो ना भी अगर आपके अच्छी क्वालिटी के शेयरों में होल्डिंग है, अच्छे शेयरों में आपने खरीदारी की हुई है, तो आपका जो खबर और सबर पेशेंस है ना, सबर यानी कि पेशेंस, खबर और सबर, ये दो चीज़ें मार्केट में बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अगर आप लोगों को सब्र है, अगर अच्छी क्वालिटी के शेयर में पैसा लगाया है, वहाँ पर आपको सब्र रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, जैसा वैसा उसको होल्ड करके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो भी किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं ना तो 10 बार ही सोचना पड़ता है कि भी आगे चल के कैसे क्या माहौल बनेंगे। और अभी आपने देखा होगा अभी पिछले 2 दिन में 2 बड़ी ब्लॉक डील हुई यहाँ पर। एक तो हुई थी 1.5 करोड़ शेयरों की, दूसरी हुई थी कल आपने देखा होगा 1.4 करोड़ शेयरों की। तो इतनी बड़ी 2 ब्लॉक डील और उन ब्लॉक डील के बदौलत इन शेयरों में आया है ये एक पीछे काफ़ी अच्छा एक्शन। और आगे भी आप लोग जिन्होंने 585 रुपये के भाव में, और ये जो नीचे वाली ब्लॉक डील थी और ये जो 1.5 करोड़ शेयर वाली जो ब्लॉक डील हुई थी वो हुई थी लगभग 565 रुपये के भाव में। तो जिन्होंने इस रेंज में शेयर खरीदे हैं उन्होंने आगे का सोच विचार करके ही खरीदा है भाई। ऐसा नहीं वो इतनी इतनी क्वान्टिटी ऐसे उठा लेंगे बेफिजूल में। तो इसलिए लॉन्ग टर्म में ग्रोथ है इनके अंदर, अभी और चलेंगे ये। थोड़े बहुत देखो पीछे कल टूट गए थे पब्लिक कमेंट ही तो गिरने लग गए वो। देखो भाई 10-12% मैं भी मानता हूँ ऊपर के भाव से स्टॉक 12.5% के करीब फिसला था, ठीक है। बाउंड वीक हाई बनाया उसके बाद जो सिर्फ 10-12% फिसला ऊपर से, लेकिन उसके बाद स्टॉक ने आज आप लोगों ने रिकवरी भी ले ली है भाई, ठीक है। ऑलमोस्ट सारी तो मैं नहीं कहूँगा अभी सारी रिकवरी दे दी है, ठीक है, ऑलमोस्ट रिकवरी ले लिए, क्योंकि 619 का कल का हाई था। आज जो शेयर है वो लगभग 598 के आसपास है, 600 रुपये के आसपास के हमारे टारगेट आने की संभावना थी इन खबरों के बाद। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको वो खबरें दिखा देता हूँ, फिर इसका चार्ट भी देखेंगे कहीं कल वाला माहौल यहाँ पर न बन जाए। खबर की बात करें तो अभी आरविनल है, इन्फोसिस है, ये दोनों कंपनियां ऑर्डर्स के चलते जो ना अभी काफ़ी फोकस में है, ठीक है। मंगलवार को काफ़ी अच्छे अपडेट्स आए हैं यहाँ पर देखो कि आरविनल की अगर मैं बात करूँ तो आरविनल ने ऑर्डर हासिल करने की जानकारी शेयर बाजार को जो ना अभी 4 बजे के आसपास दी थी। जो ईस्टर्न साउथ ईस्टर्न रेलवे से जो कंपनी को ऑर्डर मिला था ना अभी 203 करोड़ के आसपास का, इसके बारे में मैंने इसको डिटेल वीडियो बना दिया था। उसके बाद आप लोग देखोगे भी कंपनी ने और भी बड़ी खबरें दी हैं, ठीक है। उसके बाद 2 खबरें और आई थी, एक आई थी 187 करोड़ 34 लाख के ऑर्डर की जो कि महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन से मिला था। और फिर उसके बाद आप लोग एक एमओयू साइन किया गया अभी साउथ अफ्रीका की कंपनी से जो कि अभी तत्वीर मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका एलएलसी, तो इसके साथ एमओयू साइन किया अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग। तो ये खबरें सामने आई हैं अभी और इन खबरों के बाद ये जो शेयर है वो बिल्कुल एक्शन में है। देखो अभी तीन बड़ी खुशखबरियां, 2 ऑर्डर मिलना, एक एमओयू साइन होना वो भी मिडल ईस्ट की कंपनी के साथ। तो ऐसे में आप लोग समझ सकते हो कि मिडिल ईस्ट में भी हमारे जो ये कंपनी है वो फल फूल रही है। तो इसी प्रकार से आगे इन शेयर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बहुत अच्छी या फिर फायदेमंद साबित हो सकती है। और बजट है, रिजल्ट आगे, 2 बड़े इवेंट्स हैं, उससे पहले शेयरों में एक्शन बना भी 40% के उछल गया शेयर ये पिछले 3-4 दिन में। आप लोग 4 दिन का डाटा उठाकर देखोगे तो 35-40% शेयर में तेजी बनी है। तो उसके बाद अगर ये 10-15% ऊपर से डाउन भी आए ना तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं इसका चार्ट। और चार्ट देखने से पहले जो भाई टेलीग्राम से जुड़ना चाहता है, टेलीग्राम का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ये पेड मेंबरशिप रहने वाली भी। और यहाँ पर आपको बेस्ट क्वालिटी के जो शेयर है अच्छी लेवल के ऊपर हम आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे, तो उसके लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर लगभग 534 के आसपास का कल का सपोर्ट था, और उसके बाद जो शेयर है वो काफ़ी अच्छी रैली हमें यहाँ पर दिखाते हुए नज़र आ रहा है। ओपन हुआ ये 562 रुपये के ऊपर में, और 562 का ही मैंने बताया था कि 562 से 583 ये लेवल स्टॉक में बन सकते हैं, और स्टॉक पहुँचा हुआ कहाँ पर 593 इस लेवल के ऊपर। तो यहाँ पर ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। बहुत से भाई है ऐसे जो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते कहीं कल वाला माहौल यहाँ पर फिर से ना हो जाए। कल भी तो स्टॉक में एक ज़बरदस्त एक्शन आया था, 10% की तेजी बनी थी, उसके बाद उन्हें भी इतना बड़ा डीप आ गया, ठीक है। लेकिन अभी के टाइम जो शेयर है वो फिर से उछला है, गैप अप ओपन हुआ है
प्रीवियस के जो इसका हाई था वो तो नहीं ब्रेक कर पाया, लेकिन 583 का अभी के टाइम सपोर्ट ठीक रहेगा अभी करंट हिसाब से, और उसके बाद नीचे में 562 का भी है, लेकिन वहाँ पर तो सारी जो तेजी बनी वो गायब ही हो जाएगी, इसलिए 583 का ठीक है। तो 583 का छोटा सा स्टॉप सपोर्ट, और ऊपर में बात करें टारगेट तो 602 रुपये के आसपास के आने के चांसेस है, 600 के आसपास फिर भी स्टॉक पहुँचा हुआ है भाई, तो काफ़ी अच्छे लेवल स्टॉक में अचीव हुए फिर से। और बाकी इसके रिगार्डिंग जो कोई खबरें आएंगी वो आपके साथ साझा करते रहेंगे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके रख सकते हो। और यहाँ से वॉल्यूम का डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया है तो स्टॉक में एक डीप आ सकता है अभी के टाइम, थोड़ा संभल के रहना, मैं आपको यही बोलूंगा बस, ठीक है। सपोर्ट वगैरह उनके ऊपर ध्यान दीजिए अगर शॉर्ट टर्म है, अगर लॉन्ग टर्म है तो भी बैठे रहो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।